सागर में पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सरपंच बनने की होड़ लगी हुई है, जिससे पूरा चुनावी माहौल गर्माया हुआ है। लोग दिन रात एक करके अपनी दावेदारी ठोककर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही जनता को लुभाने के लिए अनेकों प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत नहरमऊ की, जहाँ ग्रामीणों ने एक मत होकर कहा कि गाँव में पानी की समस्या बहुत गंभीर है, लोग 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी भरने जाते हैं। हम तो वही यही मुद्दा लेकर लड़ रहा है कि हमारे गांव बस्ती में पंचायत में जल की बड़ी समस्या है बहुत पहले से। जी जी, तो हम तो उसको लेकर चल रहे हैं कि अगर अपन चाहे जनता ने, गांव वालों ने, पंचायत वालों ने, तो अपन उसको जल की कर भी तक जाए। तो ये जल की व्यवस्था पिछले लोगों ने की नहीं या फिर किसी कारणवश हुई नहीं? नहीं करे, दो एक बोल करे सक्षम नहीं, प्रयास नहीं, प्रयास नहीं हो रहा उसको, ज्यादा प्रयास भी नहीं कर रहा जी। तो ऐसे को करने हैं अपने खिलाने के जो भैया गाँव को विकास कर सके। जी जी, पुराने काम डरे हैं पिछड़े बे हो जाए पूरे, आगे भविष्य में और कछु कर सके जन। जी जी, अब ऐसे को कर दे के जिन पे कौन से बोल तो ही नहीं मने, कौन से बतिया तो नहीं मने, अधिकारियों से मिलते तो नहीं मने, जिनने केसरी की गेल नहीं देखी अभी सागर को दौड़ा रहे। जी जी, बेका कर रहे हैं। तो आपका मतलब है कि आप ऐसा, अपन ऐसे प्रत्याशी को बने भी जो कम से कम 4 जनों से मिल सके, जी बाहर जाके संपर्क कर सके। जैसे है कि अपने यहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा परेशानी है। जी जी, परेशानी वो दूर हो जाए तो मतलब ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी परेशानी दूर कर सके। उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, युवा हो, एवं जो अधिकारियों से बात करने की क्षमता रखता हो, जो अपने ग्राम क्षेत्र में विकास कर सके और जो अधिकारियों से बात कर सके। और सबसे प्रमुख समस्या है नहरमऊ में पानी की समस्या। नहरमऊ में नल जल योजना का अभी तक कोई अता पता नहीं है, केवल पानी यहाँ कुओं से ही प्राप्त होता है, नलकूप एक भी नहीं है।